ओके तो भाई फाइनली सीएम पंक WWE कंपनी के अंदर वापस आ चुके हैं, पर सीएम पंक के साथ एक और चीज उनके साथ आया जो कि है कंट्रोवर्सी। तो क्या सीएम पंक फिर से आते के साथ कंट्रोवर्सी खड़ा कर चुके हैं? क्या ड्रू मैकइंटायर सच में WWE कंपनी को इस बार छोड़ने वाले हैं? इसके अलावा और भी बहुत सारे रूमर करेंट है फैल रहा है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो भाई बस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए। ओके तो भाई सबसे पहले मैं सीएम पंक के बारे में एक मिनट बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ट्रिपल एच को थैंक यू बोलना चाहूंगा। लिटरली भाई WWE वाले 3-4 पे-पर-व्यू को जिस तरीके से बुक करे, मुझे नहीं भरोसा था कि सीएम पंक वापस आने वाले। भाई आप लोगों ने देखा सीएम पंक फाइनली वापस आ चुका है, ये मतलब एक सपना जैसा लग रहा है कि भाई सीएम पंक वापस आ गए। वैसे भाई मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो सीएम पंक पैसा के लिए वापस आ चुके हैं, साथ ही साथ WWE वाले भी उनको पैसा के लिए साइन कर चुके हैं। ट्रिपल एच और सीएम पंक आज के कुछ साल पहले एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेट वाले कमेंट करते थे भाई करेंट टाइम में, मतलब दोनों साथ में फोटो के अंदर दिख रहे हैं। इससे आपको पता लग गया होगा भाई पूरे वर्ल्ड में कुछ भी चीज पॉसिबल है सिर्फ इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के अलावा। वैसे भाई सीएम पंक जैसे वापस आए WWE वाले ने अपने तरफ से इस बात को कंफर्म कर दिया कि WWE कंपनी के साथ इनका मल्टीपल ईयर का डील हुआ, मतलब एटलीस्ट ये 3 साल तक WWE कंपनी के अंदर काम करने वाले। मैं तो भाई बस ये होप कर रहा हूँ कि इन्होंने जो AEW कंपनी के अंदर हरकत किया था बस वो वाला हरकत WWE कंपनी के अंदर नहीं करे। इससे आपको एक और बात का आइडिया लग गया कि भाई सीएम पंक जानबूझ के AEW कंपनी के अंदर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। आप लोग समझो कि सीएम पंक जितना भी चीज AEW कंपनी के अंदर किए थे भाई सारा चीज प्री प्लान था, सारा चीज मतलब सीएम पंक का ही मास्टरमाइंड। सीएम पंक जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे थे ताकि AEW वाले उनको कंपनी से बाहर निकाले, उसके बाद WWE कंपनी के अंदर आ जाए। आप लोग देखो एग्जैक्टली वही चीज देखने को मिला, ये उस कंपनी से बाहर निकले WWE कंपनी के अंदर सीधे वापस आ गए। मुझे पता है कि AEW कंपनी के फैंस करंट टाइम बहुत ज्यादा गाली दे रहे होंगे सीएम पंक को। वैसे भाई अगर हम लोग टॉपिक पर वापस आए तो भाई एल्यूमिनी सेक्शन से भी करंट टाइम सीएम पंक को रिमूव कर दिया गया, सीएम पंक करंट टाइम एक्टिव रेसलर बन चुके हैं। आप लोग सोचो भाई पूरे 9 साल बाद सीएम पंक एल्यूमिनी सेक्शन से बाहर आए हैं। सीएम पंक वो रेसलर थे जिनके बारे में भाई पिछले 5-7 साल से सबसे ज्यादा बात हो रहा था कि सीएम पंक हमें कब देखने को मिलेंगे। फाइनली वो दिन आ चुका है भाई, सच में आज का दिन सच में बहुत बड़ा दिन है रेसलिंग वर्ल्ड। वैसे भाई इसके ऊपर रायबैक ने भी रिएक्ट किया, रायबैक भी इस बात को बोले कि भाई मैं भी अभी करंट टाइम रिटायर नहीं हुआ, मेरे ख्याल से रायबैक WWE कंपनी के अंदर तो नहीं आएंगे, मे बी AEW वाली मतलब इनको अपनी कंपनी के अंदर बुला सकते। वैसे भाई अगर हम लोग कंट्रोवर्सी का बात करें तो भाई हुआ क्या है, ड्रू मैकइंटायर मतलब लॉकर रूम छोड़कर तुरंत से एरिना से बाहर चले गए जैसे सीएम पंक वापस आए। मैं आपको एग्जैक्टली वीडियो भी दिखाता हूं, आप लोग देख सकते हैं जैसे ही वार गेम मैच खत्म हुआ ड्रू मैकइंटायर वहां से सबसे पहले चले जाते हैं अपने आंख के ऊपर मतलब हाथ पकड़कर। और भाई मेरे ख्याल से जहां तक मेरा आइडिया है ड्रू मैकइंटायर शायद से इंजरी से सफर कर रहे होंगे इसलिए मतलब वहां से चले गए होंगे गुस्सा। देखो मेरे ख्याल से ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक के बीच में भाई मतलब पास्ट के अंदर कोई कंट्रोवर्सी तो हुआ नहीं, तो ये कंट्रोवर्सी वाला कोई टॉपिक ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ड्रू मैकइंटायर के साथ मेरे ख्याल से सारा चीज सही है, ड्रू मैकइंटायर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है मतलब करेंट टाइम में सीएम पंक के। वैसे अगर हम लोग कुछ और वीडियो का बात करें तो भाई सीएम पंक के आने के बाद सारे रेसलर का हवा निकल चुका है, हील टीम और फेस टीम दोनों टीम करेंट टाइम में मतलब बुक कर रही है सीएम पंक। आप लोग देख सकते हैं रिया रिपली भी यहाँ पर मतलब फिंगर दिखा रही है, और साथ ही साथ रिया रिपली इस बात को इशारा भी करी कि मतलब उन्होंने टाइम का जो इशारा किया था मतलब उसका क्या मतलब है, सिर्फ बकवास कर। साथ ही साथ भाई रिसेंट टाइम में सेथ रॉलिंस भी सेम वही हरकत करते हुए दिखे, सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहे थे, वही मिडिल फिंगर दिखा रहे थे मतलब सीएम पंक को। तो आप लोग कह सकते हो जैसे शेर जंगल में वापस आ गया सारा भेड़ बकरी मतलब सारे लोग का जल रहा है करंट टाइम। वैसे मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो भाई मेरे ख्याल से सीएम पंक का सबसे फर्स्ट अपोनेंट या तो सेथ रॉलिंस हो सकते हैं या फिर जजमेंट डे का कोई बंदा हो सकता है। हाँ मेरे ख्याल से 90% चांसेस भाई करंट टाइम में सेथ रॉलिंस का लग रहा है, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का ऑलरेडी बहुत बड़ा पास्ट रह चुका है। आप लोगों ने देखा होगा भाई करंट टाइम मल्टीपल टाइम सेथ रॉलिंस अपने प्रोमो के अंदर सीएम पंक का जिक्र किए थे, एक दो बार नहीं मल्टीपल टाइम। क्या सेथ रॉलिंस का पुंगी बजा सकते हैं सीएम पंक? क्या सीएम पंक वापस आकर सेथ रॉलिंस के हाथ से उनके चैंपियंस बेल्ट को ले सकते हैं? भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भाई जस्ट रिसेंट टाइम अब रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होने वाला है। रोड टू रेसलमेनिया में आपको पता है WWE वाले बहुत बड़े बड़े रेसलर के हाथ में चैंपियंस बेल्ट को देती है मतलब ताकि रेसलमेनिया के अंदर बड़ा मैच बन सके। वैसे भाई मैं आपको फिर से बता दूं भाई कंट्रोवर्सी वाला कोई चीज नहीं है, ड्रू मैकइंटायर बस ऐसे ही गुस्से में गए, मतलब वो हील कैरेक्टर करंट टाइम में प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ भाई हमें सीएम पंक 2-3 साल तक हमें देखने को मिलेंगे, रोमन रेंस के साथ हमें उनका रिवलरी देखने को मिलेगा जिसके लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। वैसे रैंडी ऑर्टन आज के शो के ऊपर भली आरकेओ नहीं लगाए रिया रिपली को, पर हां मंडे नाइट रॉ ऊपर आने वाले वहां शायद से लगा सकते। वैसे अगर आपको कोई सवाल अगर मेरे से पूछना है तो भाई सारे लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कल शाम को Q&A वीडियो लेते हैं। हाँ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट बात करना इंस्टाग्राम के ऊपर सारे लोग आ सकते हैं।